जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं युवा सोच चैनल। तो आज जानकारी के लिए बता दें, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो वीडियो पे अंत तक बना रहें। देखिए, ये वीडियो है नेहाटी मंडी का। तो हम लोग होटल से आज निकल के अब नेहाटी मंडी की ओर चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि नेहाटी मंडी कब लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या शेड्यूल है मंडी का, वो आपको सारी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बना रहें। देखिए, हम होटल से निकल के रास्ता में अभी हैं, बस चंद मिनट के दूरी पर हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि होटल मंडी से बहुत नज़दीक वाली होटल में हमने शिफ्ट हुआ है रात में। और अब देखिए, आपको दिखा रहे हैं, मंडी पहुंचने वाले हैं, बस रास्ता में हैं। तो आपको मंडी में किस किस प्रजाति का मछली अभी अवेलेबल है, क्योंकि ऑफ सीज़न है, सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपका। मार्च का महीना है, तो मार्च लास्ट में अप्रैल से सीज़न स्टार्ट हो जाता है बच्चे का कारोबार। तो ये बच्चे का सिर्फ मंडी है, बड़ी मच्छी का मंडी नहीं लगता है। ये सिर्फ मच्छी का बच्चा यहाँ मिलता है, सीड मिलता है, हर क्वालिटी और हर तरह की क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, आप जितना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगो तो आपको अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जो जितना भी हांडी दिख रहा है, यानी तसला, हम लोग अपने भाषा में, बिहारी की भाषा में तसला कहेंगे, तो तसला में, सारी तसला में मछली का बच्चा है। और यहाँ पे लोग 1 बजे से मंडी लगाते हैं, सुबह 6 बजे तक, यानी रात में चलने वाला ये बाज़ार है, रात में इसका मंडी लगता है। तो आप देख सकते हैं, जितना भी प्रजाति का बच्चा है वो आपके सामने है, और इस तरह तरह के क्वालिटी का बच्चा है, अपने हिसाब से लोग रेट प्राइस फिक्स किए हुए हैं। तो आप जब भी मछली की जानकारी चाहिए या तो नेहाटी मंडी की जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। मैं आपको पूरी जानकारी, नेहाटी का पूरी जानकारी आपको डिटेल में विधिवत तरीके से दूंगा। तो देखिए, किस किस प्रजाति का बच्चा है यहाँ पर, किस तरीके से मंडी लगा हुआ है, सारे लोग तसला में लाइन कतार लगा करके बच्चे बेच रहे हैं। ज़्यादातर बच्चा यहाँ पर गोल्डन और विकेट का अवेलेबल है, ग्लास कार्फ का छोटा वाला, और तो बाकी सारी प्रजाति का मछली है, लेकिन ईयरलिंग बच्चा है फिंगर साइज का। तो आपको लाइन बाय लाइन आपको दिखा रहे हैं, वीडियो पे बने रहें। और आपको मैं एक और अधिक जानकारी के लिए बोल दूं, मेरा बच्चे का कारोबार भी है, और ऑल इंडिया डिलीवरी हम सप्लाई भी देते हैं। तो कुछ यहाँ का जो फार्मर हैं और कुछ हैचरी वाले हैं, उनके साथ में हमारा मीटिंग था, तो हम लोग बिहार से चल के आए हैं, तो सोचे कि आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे नए नए फार्मर हैं जिनको इच्छा रहता है नेहाटी मंडी देखने का, तो लाइव आपको मैं नेहाटी मंडी का वीडियो दिखा रहा हूं, और वॉइस भी आप सुन रहे होंगे मंडी का क्या मोल भाव है, जो आपको उसका लाइव वीडियो का वॉइस भी जा रहा होगा आपके पास। तो आप सभी से गुजारिश है कि कृपया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी युवाओं तक पहुँचे ये मैसेज, ताकि जो बहुत से लोग नेहाटी से जुड़ के नया बच्चा का कारोबार करना चाहते हैं, तो बच्चा लेना चाहते हैं, वो डायरेक्ट भी आके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए, वीडियो पे बने रहिए और देखते जाइए किस किस तरह का मछली यहाँ मिलता है, किस किस प्रजाति के बच्चे हैं। और एक आवश्यक सूचना, यदि यहाँ आते हैं तो आप फ्रॉडगिरी से बचे। यहाँ पे बहुत सारे अनगिनत दलाल घूमते रहते हैं, जिनको न अपना तालाब है, न अपना बच्चा है, लेकिन आपको टोपी पहनाने के फिराक में हमेशा घूमते रहेंगे। तो जब भी आए तो फ्रेंडली सबसे मिले, और मिलने के बाद फाइनल डिसीजन लेने से पहले अच्छे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कितना लेगा? और किलो है 500 पीस है, के लिए 500 होगा। हम आपके इससे साथ छोटा भी है, इससे छोटा भी है, 5 ग्राम गिनती करके देखना होगा कितना भंगता है। आज इसमें ब्लैक कार, मिक्स रूपचंदा, ग्लास कार, विकेट,
अमूल कार्क सिंह मांगुर जैसे सारे बच्चे अभी प्रेजेंट में इस मंडी में अवेलेबल है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे प्रजाति का ब्रीडिंग स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो इसके वजह से ईयरलिंग बच्चा है और आपके पास ब्रिगेड और अमूल कार्क गोल्डन ग्लास कार्प इत्यादि का नया बच्चा फ्राई साइड में मार्केट में देखने को मिला। तो इस तरीके से जब आपको मार्च अप्रैल आपका यदि आप कभी मंडी विजिट तलाब खुद का है तो वीडियो दिखाएंगे खुद का है उस समय का वीडियो पोखरा पोखरा अभी का वीडियो में बहुत डिफरेंट रहेगा। उसमें मंडी खर्चा खर्च भरा रहता है पर भी मंडी में पैर रखने का भी जगह नहीं रहता है। अभी ऑफ सीजन है इसके लिए मंडी में कम व्यापारी आते हैं। आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपसे इसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी वीडियो देखें तो स्क्रिप करके ना देखें पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सही जानकारी हो मिलते हैं आपसे फिर और वीडियो का बने रहे हम एक बार घूम लेते हैं सारे प्रजाति का बच्चा लाइव आपको दिखाएंगे। ब्लैक कार्प का कितना साइज का मंडी में अवेलेबल है का कितना साइज का अवेलेबल है मांगुर है जैसे सारे प्राइवेट आपको दिखाते हैं तो वीडियो पे बने रहें और उनका काम अच्छी चलिए फार्मर से लाइव मांगुर जो दिखा रहे हैं आप देखते जाइए। সাড়ে ছয় সত্তর সত্তর টাকা হলে মাপো আমার এই কিচকিচ নেবো কিচকিচতে হয়ে সত্তর হলে মাপো আসি 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 কন সা মাছ হে দাদা আমেরিকান কন সা মাছ হে कौन सा मच्छ है काला काला बस चापल ए तक के पतली साथ में लाए गए बस खाखो आपका मच्छ सिंगी है एक किलो में 400 पीस चौदह सर के जी ₹10 रोट कितना होगा आपका गाड़ी ना हम लोग भी आ मेरा तो गाड़ी पे भी हम लोग भी आ गया हो जाएगा मछली कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास भी है 100 लाइन वाला जाएगा 20-25
अभी तक अंडा नहीं पड़ा। वीडियो पे इतना समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और युवा सोच पे बने रहने के लिए आपको दिन शुभ हो। ये भैया ये वाला चलेगा मस्त में नहीं किया इधर के इधर का ₹4 कितना लाइन वाला चाहिए आपको? ये वाला आलोक ना आगे दिखा छोटा मोटा छोटा मोटा चारा ए पाए मत छोटा और भी चाहिए क्या ना मोटा है मोटा कितना मोटा छोटो नहीं छोटो ही कितने लाइन होगा मछली ले जाते हैं लेते हैं मछली माल पहुँचा देते हैं अपना रिश्ता भट्टाचार्य कार्ड है क्या कार्ड नहीं नंबर ले लीजिए मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर आ गया जोर से मतलब वीडियो पर इतना देर अधिक समय दिए तो आप सभी से निवेदन है कि जो मेरा भाई जो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।